दोस्तों, क्या आप अमेजन पे से अपनी बैंक अकाउंट डिटेल को हटाना चाहते हैं? आप अपने अमेजन पे से अगर अपनी यूपीआई आईडी को हटाना चाहते हैं, डीलिंक करना चाहते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी फोन की स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपनी अमेजन ऐप को। अब अमेजन पे ऐप ओपन हो जाने के बाद अपनी यूपीआई आईडी, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल हटाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इस तीन लाइन पे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अमेजन पे का। तो दोस्तों, आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे अमेजन पे पे, और अमेजन पे पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होता है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा आप अपने मोबाइल नंबर के सामने यहाँ पे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी होती है और यहाँ पे आप अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट आपके अमेजन पे से लिंक रहता है उसका यहाँ पे लास्ट के कुछ डिजिट शो करते हैं और बैंक का यहाँ पे नेम शो करता है। अगर आप इसे डीलिंक करना चाहते हैं, आप अमेजन पे से हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा मोर ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, व्यू ब्लॉकेड यूपीआई आईडी और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डी रजिस्टर्ड अमेजन पे यूपीआई। तो अगर आप अपनी यूपीआई डिटेल को अमेजन पे से हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा डी रजिस्टर्ड पे यहाँ पे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि अगर आप डी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा यस डी रजिस्टर्ड अमेजन पे यूपीआई, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे अब आपका क्या होगा कि आपकी जो यूपीआई आईडी है, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ से हट जाती है, डी रजिस्टर्ड आप हो जाते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं बैक टू अमेजन पे पे। अब दोस्तों, यहाँ पे जो आपका पहले यूपीआई आईडी, आपका मोबाइल नंबर आता था, अब यहाँ पे वो नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो चाहे तो आप अपनी यूपीआई आईडी को फिर से अगर फ्यूचर में कभी रजिस्टर्ड करना चाहें तो यहां से आप प्रोसेस पे क्लिक करके आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल को फिर से ऐड करके अपना यूपीआई आईडी फिर से क्रिएट कर सकते हैं।